अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। ठीक है। अच्छा जी, लास्ट हमने जो क्लास में डिस्कशन की थी, आई थिंक वी आर स्टडिंग चैप्टर नंबर 1, जिसमें हमने ये की व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, जिसमें हमने स्टडी किया था कुछ इंटरपर्सनल स्किल्स थी, व्हाट मैनेजर्स डू, क्या जिसमें मैनेजरियल फंक्शंस देखे थे, मैनेजमेंट रोल्स देखे थे जो हमने डिस्कस किए थे। इसके बाद हमने ये जो टेबल है इसको हमने देखा था, फिगर हेड, लीडर, लाइजन, मेंटर, तीन तरह की जो बेसिकली एक मैनेजर के रोल्स होते हैं, हमने तीनों को डिस्कस किया था वन बाय वन, जिसमें इंटरपर्सनल था, इंफॉर्मेशनल था, डिसीजनल रोल था। ठीक है, ये उसकी सारी डिटेल आप नीचे भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आपने उसमें देखा होगा। दस नेक्स्ट इज ये जो नीचे प्लानिंग, ये वाले ये भी हमने डिस्कस किए थे कि ये बेसिकली मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग, जो आपने देखे होंगे, मैंने क्लास में डिस्कस किया था। द नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट स्किल्स, जिसके अंदर तीन तरह की स्किल्स थी, टेक्निकल, ह्यूमन स्किल्स और कंसेप्चुअल। ठीक है, ये भी हमने देखी थी। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाते हैं इफेक्टिव वर्सेस सक्सेसफुल मैनेजरियल एक्टिविटीज। ये मैंने आपको एक असाइनमेंट दी थी करने के लिए कि आपने इसको देखना है। एक सिंपल एलोकेशन होती है एवरेज मैनेजर, सक्सेसफुल मैनेजर, इफेक्टिव मैनेजर्स की। ठीक है, जो एवरेज मैनेजर्स होते हैं उनमें सभी चीजें एवरेज होती हैं। सक्सेसफुल मैनेजर में नेटवर्किंग, उसकी हमने डिस्कस किया था कि नेटवर्किंग किस तरह इफेक्टिव होती है, और उसके बाद फिर हमने कम्युनिकेशन स्किल जो है वो किस तरह एक इफेक्टिव मैनेजर में को इन्फ्लुएंस करती है या उसके अंदर ज्यादा होती है। अच्छा जी, उसके बाद था ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, के ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर बेसिकली होता क्या है। उसके अंदर हमने देखा था इंपैक्ट दैट इंडिविजुअल ग्रुप्स एंड स्ट्रक्चर्स हैव ऑन बिहेवियर विद इन ऑर्गेनाइजेशन फॉर पर्पस ऑफ अप्लाइंग सच नॉलेज टुवर्ड्स इंप्रूविंग एन ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस। उसके बाद ये हमने सिस्टमेटिक स्टडी भी देख लिया था। डिसिप्लिन्स दैट कंट्रीब्यूट टू द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर फील्ड, ओबी फील्ड में और कौन कौन से डिसिप्लिन्स यूज होते हैं। ठीक है, उसमें सबसे पहले जी आप साइकोलॉजी है, सोशल साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, इसको हम आगे जाके फर्दर भी इन डिटेल में देख सकते हैं। जैसे साइकोलॉजी क्या होती है, द साइंस दैट सीक्स टू मेजर, एक्सप्लेन एंड समटाइम्स चेंज द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स। साइकोलॉजी बेसिकली बिलोंग्स टू आपको कॉग्निटिव एबिलिटी से लिंक करती है, जिसका मकसद ये होता है कि वो आपकी साइकोलॉजिकल चीजें होती हैं कि आप किस तरह मेजर करते हैं। सोशल साइकोलॉजी, एन एरिया ऑफ साइकोलॉजी दैट ब्लेंड्स कंसेप्ट फ्रॉम साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी दैट फोकसेस ऑन इन्फ्लुएंस ऑफ पीपल ऑन एन वन एंड अदर, कि लोग एक दूसरे के साथ कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, एक दूसरे पे कैसे असरअंदाज करते हैं, ये हम सोशल साइकोलॉजी में देखते हैं। सोशियोलॉजी द स्टडी ऑफ पीपल, हम जिसमें लोगों को स्टडी करते हैं वो क्या होती है, सोशियोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी, जिसमें हम सोसाइटीज को, डिफरेंट सोसाइटीज को हम स्टडी करते हैं। कॉन्टीजेंसी वेरिएबल्स, सिचुएशनल फैक्टर्स, वेरिएबल्स एंड मॉडरेट द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। ये सिचुएशनल फैक्टर्स होते हैं जो एक किसी भी सोसाइटी पे इम्पैक्ट करते हैं, जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया है, कोई इवेंट हो गया है, कोई भी ऐसी चीज है जो आपकी सोसाइटी को इम्पैक्ट करती है और उसके बाद वो इंसानों पे भी इम्पैक्ट करती है। ये सारी चीजें इस ओबी पे इफेक्ट करती है। जैसे हमने एक चीज को डिस्कस किया था, डिवर्सिफिकेशन ऑफ कल्चर, कि डिवर्सिफाई कल्चर क्या होता है, हमने बात की थी इसके ऊपर कि जब मुख्तलिफ सोसाइटीज के लोग
या मुख्तलिफ रिलीजन्स के लोग, मुख्तलिफ बैकग्राउंड या एरिया ऑफ इंटरेस्ट के लोग एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे होते हैं, तो वो डिवर्सिफिकेशन ऑफ कल्चर बनाते हैं, ठीक है। तो उस वो एट दैट टाइम आपकी बहुत सारी साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और बहुत सारी सोसाइटीज की जो कॉम्बिनेशन है वो एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इकट्ठा होता है, और जब आप काम करते हैं तो वो आप पे इन्फ्लुएंस करता है। ये वही बात आ गई मैनेजिंग वर्कफोर्स डाइवर्सिटी के अंदर। वर्कफोर्स डाइवर्सिटी जब हम बहुत सारे नॉलेजेस, बहुत सारी सोसाइटी और बहुत सारे साइकोलॉजिकल और सोशल साइकोलॉजी इकट्ठे काम करते हैं, जैसे एक एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर क्या होता है कि एक बंदा है जो साउथ एशिया से काम कर रहा है, कोई मिडिल ईस्ट का है, आपकी एक बहुत बड़ी फॉर्म है सपोज यूरोपियन कंट्रीज में, लाइक या बहुत सारे लोग पाकिस्तान से जाते हैं, बांग्लादेश से जाते हैं, मिडिल ईस्ट से जाते हैं, और क्या होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करते हैं, तो उससे क्या होता है वर्क फोर्स डाइवर्सिटी बनती है। और हम उसको किस तरह हैंडल करेंगे ये हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर स्टडी करते हैं। अच्छा, ये इस चैप्टर में से जस्ट हमें इतना ही करना है। फर्दर मैं आपको फिर बता दूंगा कि आपने क्या क्या करना है इसमें से। थैंक यू सो मच।